आचार्य चाणक्य हमारे देश के बहुत ही बड़े विद्वान में से शामिल हैं। उनकी बातें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि तब तो सही थी जब उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज के दौर में भी एकदम सही साबित होती हैं। इसीलिए आज हम आपको चाणक्य जी की बताई गई वो 10 बातें बताने वाले हैं जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें उसको पता होती हैं तो उसको सफल होने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं चाणक्य जी की वो 10 बातें। सबसे पहली बात कि हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आए दिन क्या होता है कि हम मूर्खों से हमारा पाला पड़ जाता है। कोई मूर्ख मिल जाता है भाई गली मोहल्ले में और वो अपनी बातें कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, कुछ भी कह रहा है। अब ऑब्वियसली चीज है कि हमें गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो बात ठीक नहीं कह रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी बातें रखते हैं कि जो तुम कह रहे हो ना वो गलत है, बात अक्सर ये होती है, बात ये होती है असल में, तुम गलत कह रहे हो। ठीक है, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो हमारी बातों को नहीं समझता तो हमें और गुस्सा आता है, हम उसे और समझाने की कोशिश करते हैं, वो और बात को पलटता है, हम और समझाते हैं, वो और बात को पलटता है। अब ऐसे में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अक्सर कहा सुनी में ही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ही हमारे रिलेशंस भी टूटते हैं। चाणक्य जी यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी बात नहीं समझना चाहता उसको समझाने की कोशिश मत करें, क्योंकि इंसान जो नहीं समझना चाहता वो किसी के भी समझाने पर नहीं समझ सकता। इंसान तभी समझता है जब वो समझना चाहता है, किसी के समझाने या ना समझाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझा रहे हैं और वो व्यक्ति समझना नहीं चाहता या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको समझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप चार मूर्खों के बीच में बैठेंगे तो मूर्ख आप ही साबित हो जाएंगे। चार मूर्खों के बीच में कभी भी समझदार बनने का प्रयास मत करिए। चार मूर्खों में रहिए तो पांचवा मूर्ख अपने आप को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी वाला काम यही होगा। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। आए दिन हम अपने दोस्तों को बना लेते हैं ना और अपनी कमजोरी बताना शुरू कर देते हैं। कोई हमारी गर्लफ्रेंड होती है, कोई हमारा बॉयफ्रेंड होता है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो कोई गुड फ्रेंड होता है ना, किसी से भी मिलते हैं तो उसको बता दे तुम्हें पता है मेरे पास ये कमजोरी है यार, मुझे ना लगता है कि मेरे पास ये कमजोरी है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं काम गलत करता हूँ। ठीक है, अब हमें लगता है कि हमने बहुत ही महान काम कर दिया है। अपनी कमजोरी बताकर तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमें अपनी कमजोरी पता है। कमजोरी पता होना बुद्धिमता नहीं होती, कमजोरी पे काम करना बुद्धिमता होती है, क्योंकि कमजोरियां तो दुनिया आपको बताती घूमेगी। आप चार लोगों से मिलिए, वो आपकी 8 बातें बताएंगे जो आपके अंदर कमी है, कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये सुधारो, वो सुधारो। तो इसने अपने महान काम कौन सा कर दिया भाई, काम आपको करना है, वर्क आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उस पर काम करिए, उस पर वर्क करिए, उसको इम्प्रूव करिए। बताने से कुछ भी नहीं होता, बताने से क्या होती है, बेईमानी होती है, बताने से क्या होती है, बेइज्जती होती है, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। मोहल्ले गली में जाएंगे वो लोग और बताएंगे तुम्हें पता है उसके अंदर ये कमजोरी है, वो ये करता है, उसका लड़ाई उसे चलता है, उसका ये होता है, वो होता है, तो कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको अपनी बेइज्जती करवानी है तो ठीक है, जाइए अपनी कमजोरियां बांटिए, महान साबित करिए अपने आप को। लेकिन अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो अपनी कमजोरी पता करिए, ठीक है, लेकिन उस पर वर्क करिए और बताने की जरूरत नहीं है किसी को। नंबर 3 बात कि आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। चाणक्य जी बात ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके अंदर 9 अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अगर खराब बात है तो पता है क्या होगा, दुनिया आपकी उस एक खराब बात को ही नोटिस करेगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, दुनिया सिर्फ बुराई देखना चाहती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ खुद को ही अव्वल रखना चाहती है, फर्स्ट पोजिशन पर रखना चाहती है। कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ें। दोस्त जितने भी आपके होंगे वो बेशक आपको दिखाते हो कि बहुत ही अच्छी, मुझे खुशी हो रही है कि तुम आगे जा रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। दुनिया जलती है आपसे, और ये समझिए आप इस बात को। और ऐसे में अगर आप ये दिखाएंगे, आप तो पहले तो आप ये दिखा देते कि मेरे अंदर एक कमजोरी है, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग अब आपको भला माने, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी को ही देखेंगे। तो अगर आपके पास 9 अच्छी बातें हैं तो उस पर प्राउड फील करिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कमजोरी को भूल मत जाइए। वही पहली वाली बात है कि अपनी अच्छाइयों पर वर्क करते जाइए, लेकिन साइड बाई साइड ये भी देखिए कि आपके पास कौन सी कमजोरी है, ताकि आप उस पर भी वर्क कर सकें। नंबर 4, धन को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। आजकल ना दुनिया बहुत जल्दी अमीर होती जा रही है, 4 पैसे आते हैं तो उनको लगता है कि मैं अमीर हो चुका हूं, मैं बहुत ही पैसे वाला हो चुका हूं। और नई नई दौलत होती है तो हाल यही होता है, जिसने कभी दौलत नहीं देखी अगर उसको नई नई दौलत मिलती है तो हवा में उड़ने लग जाता है, ये लाजमी है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको अपने पैर जमीन पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। जो अपने आप को अमीर समझ लेता है असल में वो अमीर नहीं होता, क्योंकि अमीरी कभी होती ही नहीं, अमीर इंसान बन ही नहीं सकता, क्योंकि अमीरी एक एटीट्यूड है,
एक कैरेक्टर होता है। अमीर ये नहीं होता कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम अमीर बन गए, नहीं, अमीर सोच से होती है, अमीरी दिल से होती है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है और अपने आप को आप अमीर समझ चुके हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं बात गरीब की कह रहा हूँ तो पैसे से नहीं कह रहा, हो सकता है आपके पास पैसे बहुत तब भी हों, लेकिन गरीबी भी एक एटीट्यूड होती है, गरीबी भी एक सोच होती है, गरीबी आपके सोच के अंदर होती है, अमीरी आपके सोच के अंदर होती है। तो पैसा आने से उस पर घमंड मत करिए और सोच समझ कर खर्च करिए, क्योंकि आज आपके पास बेशक बहुत पैसा हो लेकिन अगर आप बहुत पैसा समझ रहे हैं तो फिर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा कभी भी बहुत नहीं होता, अमीरी कभी भी बहुत नहीं होती। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी बात कहते हैं कि हमें बदनामी से डरना चाहिए। आए दिन हम बदनाम हुए फिरते हैं और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, एक बात तो ये भी होती है कि हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चार लोग क्या बातें कह रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज ये भी होती है कि अगर चार लोग एक ही बात कहे जा रहे हैं और आप इस सोच में हैं कि चार लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो यार फर्क आपको इतना तो पड़ना चाहिए। चार अलग अलग लोग बात अलग अलग चीज कह रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन चारों एक ही बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो खोट आप में होगा ना। ऐसे में अगर आप ये सोचें कि मैं ही महान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, दुनिया तो मुझे पागल समझती है, समझने दो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, दुनिया क्या कह रही है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैं आपकी एकदम समझता हूं कि यार दुनिया क्या कह रही है, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, दुनिया का काम होता है कहना, दुनिया हमें नीचा दिखाना चाहती है, सब माना, मैंने आपकी 100 की 100 बातें मानी, लेकिन अगर चारों के चारों एक चीज कह रहे हैं तो उसको समझिए, उस पर वर्क करिए और उनको दिखाइए कि जो तुम कह रहे थे ना वो काम गलत है। और क्रिटिसिज्म को अगर अगली बार कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई आपकी गलती बताए, तो उसको लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हैं, कोई आपकी इंग्लिश को करेक्ट करता है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे तू तो बहुत ही अंग्रेज है, तू तो ये है, हाँ ठीक है, हम अनपढ़ हैं, हम गवार, ये इससे काम नहीं चलता। उसने जो बताया है उसको समझिए, क्योंकि अगर आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे तो आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकता, आप इंप्रूव अपने आप को कभी कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 6, आचार्य चाणक्य जी बात कहते हैं कि हमें आलस्य से बचना चाहिए। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप कितने ही बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत ही अच्छा हुनर है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टैलेंटेड भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन अगर आप लेजी हो, आलसी हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो इंसान जिसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, जो इतने टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर उसके पास आलस नहीं है, वो काम को करना जानता है, वो एक्टिव है, हार्ड वर्किंग है, तो वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पहले आप हार्ड वर्क करना सीखें, स्मार्टनेस अपने आप आती जाती है। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, बस हार्ड वर्क को अगर आप और अच्छी एफिशिएंसी के साथ करते हैं और मेहनत के साथ करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो वही स्मार्ट वर्क हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, हार्ड वर्क करिए और यार आलस को ना दूर भगा दीजिए, आलसी से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं कोई काम कल करूंगा, मैं कल इस तरीके से करूंगा, प्लानिंग्स ही बनाते रहूंगा, मैं ये कर चुका हूं, ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो कर दूंगा, फिर वैसा हो जाएगा, ठीक है भाई मैं तो कर लिया अपना काम, ऐसे काम नहीं चलता। जमीन पर उतरिए, काम को करके दिखाइए, तब बात बनती है। सोच में तो हर एक इंसान सफल हो चुका है, अगर ऐसे सफलता मिलती होती तो मैं तो आपके पास सोच ही बदलता रहता। नंबर 7, आचार्य चाणक्य जी बात कहते हैं कि जो बात आप सुनते हैं उस पे कम भरोसा करिए और जो बात आप देखते हैं उस पे ज्यादा भरोसा करिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, हम जो बातें देखते हैं उस पे कम भरोसा करते हैं और जो बातें किसी से सुनते हैं उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं हम उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं है कि ये बात सत्य निकले। एक इंसान जो ये जानता है कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है, उसने आंखों से देखा है, लेकिन वो बिलीव नहीं करना चाहता, विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो अपने आप को चीटेड महसूस करे। और अगर कोई थर्ड पर्सन आकर उसको वही सेम बात बताएगा तो बहुत जल्दी मान लेता है, क्योंकि वो सुनने पे ज्यादा बिलीव करता है, सुनने पे ज्यादा विश्वास करता है। तो सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास करिए, जो देखते हैं उस पे ज्यादा विश्वास करिए, क्योंकि बातें बनती रहती हैं। चार मुंह होंगी, 8 बातें निकलेंगी। एक बात कोई किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, और बात बात नहीं निकलती, बतंगड़ निकलता है। तो यकीन करिए कि जो कोई आप बात सुन रहे हैं उस पे विश्वास मत करिए, क्योंकि वो बात नहीं बतंगड़ है। नंबर 8 बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको मतलब ही लगेगा, लेकिन ये बात एकदम सही है, कि आपको अपने से योग्य, ज्यादा योग्य वाले व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए। जो आपसे ज्यादा हुनरमंद है, जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो आपसे ज्यादा एक्टिव है, जो आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है और इंटेलिजेंट है, उनसे ही आपको दोस्ती रखनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही मतलबी इंसान हो गया मैं, ऐसे थोड़ी इंसान चलता है, ऐसे थोड़ी
बात बनती है, लेकिन आप एक समझिए एक चीज को कि हम सेल्फ सर्विंग इंसान हैं, हम सेल्फ सेटिस्फाइंग इंसान हैं, हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप की नीड्स को देखना है। दुनिया को देखेंगे तो आप अपने आप को कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप दुनिया के बारे में सोच सकें। दुनिया की हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप खुद की हेल्प करेंगे, और दुनिया से पहले आप अपने माँ बाप की भी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप खुद की हेल्प करेंगे। अगर आप खुद ही योग्य नहीं हैं और अगर आप माँ बाप के पीछे पड़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी इसी चीज में होती है कि पहले आप काबिल बने। तो पहले आप काबिल बनो, उसके बाद माँ बाप को खुशियां दो, उसके बाद दुनिया को खुशियां दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले आपको अपने आप को काबिल समझना पड़ेगा, और काबिल समझने के लिए उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो कि आपसे अच्छे हैं, जो कि आपको कुछ सिखा सकें। अगर छोटे मोटे लोगों से करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ। नंबर 9 बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपको बुरा बनना पड़ता है अच्छा बनने के लिए तो आपको बुरा बनना चाहिए। बुरे बनिए तभी आप सफल बनेंगे, क्योंकि इंसान कई बार अच्छा बनने के प्रयास में अपने आप को बुरा बना देता है। कोई व्यक्ति आपको कोई काम करने के लिए कहता है और अगर आपको पता है कि वो काम गलत है, लेकिन वो आप काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि काम गलत है तो उसके मुंह पर मना करिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तुझे बुरा लगता है, अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए, दिल पे चोट लगनी भी चाहिए, लेकिन मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि ये काम गलत है। ये काम गलत मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी, और समाज के लिए भी गलत है। तो जो व्यक्ति, जो दोस्त आपको कोई गलत संगति में लेके जा रहा है, गलत चीज सिखा रहा है, उसको मुंह पर मना करिए, क्योंकि अगर आप ना करना सीख जाएंगे तो आप दुनिया में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ना कहना सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है ना कहने के लिए। तो अगर आप ना कहना सीख जाते हैं तो बस आप बहुत सफल होने वाले हैं। नंबर 10 और अंतिम आचार्य चाणक्य जी बात कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो लगाव से दूर रहना पड़ेगा। अटैचमेंट इंसान को खा जाती है। अटैचमेंट मत रखिए, किसी इंसान को ये मत समझिए कि वो परमानेंट है, क्योंकि दोस्तियां टूटती रहती हैं, संबंध टूटते रहते हैं। आजकल तो यार पत्नी भी साथ नहीं देती, पति भी पत्नी का साथ नहीं देते, तो ऐसे में आप कहां दोस्ती के चक्कर में पड़े हैं। आजकल लोग अपने माँ बाप का कत्ल कर दे रहे हैं। आप किन दुनिया में हैं? आप क्या सोचते हैं कि आपका दोस्त आपके लिए परमानेंट है? जी नहीं, कोई भी अटैचमेंट साबित नहीं होने वाली। सिर्फ दो इंसान आपके साथ रहेंगे, वह आपकी मम्मी, वह आपके पापा, यहां तक कि आपका सगा भाई बहन भी आपका साथ नहीं देने वाला। शादी तक वेट करिए, आप समझ जाएंगे। तो यकीन करिए, दोस्ती पर इतना बिलीव मत करिए कि आप अपने आप को खत्म कर दें। दोस्ती अच्छी बात है, रिलेशनशिप अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करिए। जो आप हैं अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद अपने माँ बाप को दीजिए, उसके बाद आते हैं संबंध, उसके बाद आते हैं भैया दोस्ती, उनको तब निभाइए, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। जो आपको काम करना है वो काम आपको करना है, फिर चाहे कोई भी आ जाए, उस काम को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसी नोट पे बात को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं यकीन करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उससे वीडियो को शेयर करना। और एक अगर मैं आपसे चीज़ मांगना चाहूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटी सी बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज़ ऑन कर देना, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।